नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है क्रक वेबो फॉरम। तो आप वीडियो को पहले लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। तो अपने चालू हो चुके हैं इसके, आज मैं आपको कराऊंगा पांचवा रूल, ठीक है। तो कुछ एडवर्ब्स जैसे आपका आगे यस्टरडे आ गया, ठीक है, और कुछ एडवर्ब फेरा जैसे आपका लास्ट डे आ गया, ठीक है, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया, यहाँ आपका आ गया द डे बिफोर यस्टरडे आ गया, द डे बिफोर आ गया, द डे बिफोर यस्टरडे आ गया, यहाँ द डे बिफोर ईयर आ गया, मंथ आ गया, डे आ गया, ठीक है, यहाँ इसके लिए अगो आ गया, यहाँ अगो ईयर आ गया, अगो मंथ आ गया, वीक आ गया, डे आ गया, यहाँ आपका डे वेक आ गया, ठीक है, या एडवर्ब फ्रेजेज है, यहाँ आपका द अदर डे आ गया, ठीक है, या वंस आ गया। आदि के साथ क्या समझ है, फर्स्ट टेंस यूज करते हैं, यानी जाते के साथ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी बी टू या डी के साथ बी वन यूज होती है, ठीक है, मतलब ये चीज आ जाए तो इनके साथ मतलब क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या अपने बी टू लगाते हैं, और जब बाकी इंटरगेटिव और नेगेटिव आते हैं तो डी टू लगाते हैं, उसके साथ क्या बी वन यूज होती है, ठीक है। तो आप समझ आ गए कि आपको, यानी इसके अंदर क्या एडवर्ब तो यस्टरडे आएगी, ठीक है, या एडवर्ब फेरा जो होते हैं वो लास्ट डे नाइट वीक मंथ ईयर होते हैं, या डे द डे बिफोर आ गया, ठीक है, अब वो ईयर आ गया, वो मंथ आ गया, डे वेक आ गया, द अदर डे आ गया, और मंथ आ गया, ठीक है, ये किसके हैं, पास्ट टेंस के सूचक हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, आपको समझ ढंग से आ जाएगा कि किस मैंने यूज किया है। पहला आई रिकिस्तान है, जब मिडिल का हिम फ्यू डे वेक, तो यहाँ पर वर्ड आया डे वेक, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ डे वेक दिया हुआ है, दिखा हुआ आपको, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको टेंस मानना है, प्रेजेंट डेफिनेट, और इसमें वीडियो लगती है, ठीक है, सिंपल के लिए अगर वीडियो लगती है तो मीट को अपने कर देंगे मेट लिख देंगे, इतने काम करना है। कहने का मतलब ये कि आपने सिर्फ इस चीज देखनी है कि इसमें कोई वर्ड आता है तो अपने इसको मानेंगे प्रेजेंट डेफिनेट मानेंगे, और जैसे आपको वर्ड मिला डे वेक, यहाँ पर डे वेक दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने क्या है वीडियो इसको बना देनी है, मीट की वीडियो होती है मेट, यानी मीट मेट मेट, यानी थर्ड और सेकंड मेट ही होती है, तो मेट लिख दिया, ये बाकी क्या सही हो गया। अगला वाक्य जैसे आपका है ही पाकिस्तान में कम हियर यस्टरडे, देखो आपका एक एडवर्ब आ गया, क्या एडवर्ब यस्टरडे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसको आपने क्या है पास्ट डेफिनेट टेंस मानना है, और कम की थर्ड फॉर्म केम होती पता है आपको, यानी कम केम और कम, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड है, और कम फिर क्या थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं आपको हो रहा है। अगला वाक्य देखो माई मदर रिकिस्तान है, बेड में कुक है, फूड है, यस्टरडे आ गया, तो वही बात ऊपर वाला ये चीज आ गई डिटो आ गई, इसको देख के अपने इसके अंदर भी क्या वीडियो कर देनी है, ठीक है, पता लग रहा है आपको, मतलब कुछ नहीं करना आपने, बस जो मैंने चीजें लिखाई हैं या आपको देखना है कि इस बाकी के अंदर चीज है या नहीं है। पहले मैं आपको चार रूल करा चुका हूँ, ठीक है, आज क्या पांचवा रूल चल रहा है, अपने सीक्वेंस वाइज अपने टेंस वाइज टेंस चल रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस के रूल सारे पूरे हो चुके हैं, आज से अपने पास्ट टेंस के रूल क्या शुरू हो गए हैं, मतलब अपने बिल्कुल सीक्वेंस चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुक्ड कर दिया, ठीक है, मदर कुक्ड फूड यस्टरडे, क्या करें, ये होता है बीता हुआ कल, तो देखो बीता हुआ कल तो पास्ट टेंस में जाएगा, नॉर्मल सी बात पता ही हुआ आपको। अगला वाक्य है ही रिकिस्तान आ गया, ब्रेक में गो है टू दिल्ली यस्टरडे, दो चीज फिर आ गई, ठीक है, टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, तो गो का वेंट होता है, पता होगा आपका गो वेंट और बोन होती है, ठीक है, तो पता लगा यहाँ पर डे बिफोर डे वेक आ गया, फिर हमें क्या यस्टरडे आया, ठीक है, इससे पता लग गया होगा कि ट्रिक के मैंने कैसे यूज की है, ठीक है ना, ट्रिक्स कैसे यूज की है, तो ये सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य में देखो बी टू ही लगती है, जब बाकी में गैरगेटिव और नेगेटिव हो तो डिड के साथ बी वन लगती है, टेंस में डिड के साथ बी वन लगती है, अगर सिंपल वाक्य सीधी हो तो बी टू लगती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि मान लो ये ही यहाँ पर आ गया, रिकिस्तान यहाँ पहले आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिड कम आएगा, ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा, मतलब बाकी हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकती हूँ। तो अब कौन सा वाक्य है, आई रोट टू देम लास्ट वीक, तो वो लास्ट वीक वर्ड आ गया आपका, अंतिम सप्ताह मैंने क्या है आपको लिखा, तो देखो मैं दिया शुरू क्या दिया, देखो लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो टेंस मानेंगे प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे, तो लास्ट वीक आपको यहां से मिल गया लिखा हुआ है, तो राइट सेकंड फॉर्म होती है रोट, ठीक है ना, क्या होती है रोट होती है, पता ही आपको राइट रोट और रिटर्न थोड़ा होती है, रिटर्न रिटर्न में डबल टी आता है, जानना ये तो नॉर्मल बात है, राइट को अपने रोट पर नोट करते हैं, कारण क्या है आपको क्या एक एडवर्ब फ्रेजेज मिल गया है लास्ट वीक, ठीक है, इससे आपको मतलब ये टेंस कौन सा होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पता अगर आपको यूज हो रहा है ना सारे बोलिए, अगर देखा लास्ट ईयर दे रिकिस्तान है, ब्रैकेट में परचेज लिखा हुआ है, ये हाउस फॉर 4 लाख रुपीज, तो सुर के अंदर आ गया लास्ट ईयर, देखो कोई दिक्कत नहीं आपको देखनी जा दूर,
सूर्य के अंदर आ गए और वो लास्ट ईयर आपको यहाँ पर सूर्य मिल गया, लास्ट डे आए, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ है, यहाँ लास्ट ईयर आए, ठीक है, मिल गया आपको। तो देखो कोई बात नहीं, टैक्स मालिक प्रेजेंट डेफिनेट तो हम लगा देंगे, परचेज लगा दी, ठीक है, हमने वीडियो यूज करनी है प्रेजेंट लगा दी, ठीक है। अगला वाक्य आपका है द अदर डे मिस्टर वर्मा रिकिस्तान है ब्रैक में कीप है लुकिंग एट द बेकर। देखो द अदर डे आ गया, ठीक है, अदर डे आ गया आपका और अदर डे मैंने दिया भी हुआ है, ठीक है, ये रहा दिख रहा ना अदर डे दिया हुआ है, तो वही बात है अदर डे आ गया, टेंस को मानेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट मानेंगे। तो कीप की सेकंड में होती है कैप्ट, थर्ड भी कैप्ट होती है, ठीक है, आप ध्यान रखना ये फॉर्म है, याद करना, ठीक है, ताकि कोई काम आएगी प्रेजेंट में, कीप की कैप्ट कैप्ट होती है, थर्ड फॉर्म की पता रखना। तो द अदर डे मिस्टर वर्मा कैप्ट लुकिंग एट द बेकर, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया आपने अदर डे देखा, ठीक है ना, और आपने रूल देखा ये रूल में है, अपने जिस टेंस के रूल में है तो अपने टेंस के यूज कर लिया, मतलब तो आपको ये रूल से याद करने हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने मेरे रूल लिखे हैं, काफी रूल लिखे हैं, मतलब इससे कोई बाहर आने का चांस ही नहीं है। मतलब तो आपका है माई ग्रांड मदर वंस मीट हिम, देखो वंस आ गया, ठीक है, देखो वंस भी मैंने बताया ना, सुनते हो ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ किंग, एक समय बाद एक राजा था, मतलब जो कहानी आप सुनते हो पास्ट में होती है कहानी, अपने सुनो कहानी, तो वंश आ गया, तो वंश का मतलब क्या है पास्ट सूचक है, तो मैंने वंश यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये टेंस कौन सा है पास्ट सूचक है, तो मतलब इसको अपने पास्ट डेफिनेट मानेंगे, तो माय ग्रैंड मदर वंश मीट की मेट कर देंगे ही, ठीक है ना, कहानी सुनते हो वंश अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंश देयर वाज़ अ किंग, ये जो भी सुनते हैं आप, एक बार ये था एक बार वो था, फर्स्ट में होती है, तो मैंने आपको रूल करा दिया, ठीक है, बस अपने एडवर्ब्स याद करने और एडवर्ब फ्रेजेस याद करने, मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, रूल याद है, अगर ये रूल याद है तो आपको टेंस के ढंग से ही आ जाएगा, ठीक है, और आपको गलती नहीं होगी, ठीक है ना, और मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपल वाक्य है, आपने वीडियो यूज करनी है, अगर वाक्य मान लो आपका इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है तो आपने डिड के साथ बी वन यूज करनी, ठीक है, डिड नॉट बी वन यूज करोगे आप नेगेटिव के साथ, इंटरोगेटिव तो डिड प्लस बी वन यूज करो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, बस डिड के साथ बी वन लगानी है और बाकी के साथ क्या है बी टू लगानी है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना क्या, ताकि आपको क्या नई नई वीडियो क्या समय पर मिल सके।